बच्चों कर लो पूरी तैयारी, स्कूल खोलने की आ गई है बारी। राजस्थान सरकार द्वारा 1 सितंबर से राजस्थान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूल खोलने का पुनः फैसला है वो लिया गया है। अब 1 सितंबर से राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। किन किन शर्तों के साथ स्कूल खुलेंगे, क्या गाइडलाइन है, विस्तृत जानकारी इस वीडियो में बताएंगे और कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल कब खुलेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहिए क्योंकि अब बस्ता है वो आप तैयार कर लो और आपका लंबे समय से इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। 1 सितंबर से आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो किन किन कोरोना गाइडलाइंस की पालना करनी पड़ेगी आपको, तो देखते रहिए वीडियो को एंड। 139 दिन बाद स्कूल जाएंगे बच्चे, गृह विभाग ने इसको लेकर गृह विभाग ने जारी किए गाइडलाइन और 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, स्कूलों में केवल 9 to 12 तक की कक्षाएं होगी संचालित। 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे और गाइडलाइन आपकी बता देते हैं हम। गाइडलाइन की बात करें तो पहला पॉइंट है राज्य के सरकारी निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालय कक्षा 9वीं के 12वीं तक के नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50% क्षमता के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 को बुधवार से प्रारंभ किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय 50% क्षमता यानी कि 50% उपस्थिति बच्चों के साथ ही 1 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी है। यानी कि एक दिन 50% स्टूडेंट आएंगे, दूसरे दिन भी 50% स्टूडेंट आएंगे। दूसरा है विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस ऑटो व कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्वक वैक्सीन की कम से कम एक खुराक यानी कि 1 डोज अनिवार्य रूप से लेनी होगी। बात करते हैं कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल कब खोले जाएंगे, तो देखिए कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। आपकी स्कूल खोलने को लेकर अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कब खुलेंगे। फिलहाल आपकी विद्यालय नहीं खुलेंगे, 1 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे, इनकी पढ़ाई स्वचालित रूप से ऑनलाइन ही संचालित की जाएगी। अब देखो आपको स्कूल जाने की जिम्मेदारी आपके किसकी होती है, सरकार की माता पिता की है आपकी होती है देख लेते हैं। शिक्षण संस्था में आने वाले पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता पिता अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते हैं उन पर संस्था द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा। अटेंडेंस उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी। यानी कि कुमार आप स्कूल जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी सरकार या स्कूल की नहीं रहेगी, आपकी जिम्मेदारी है वो अपने माता पिता पेरेंट्स की रहेगी, जहाँ से आपको लिखवा कर लेकर आना पड़ेगा स्कूल में। शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल इस पर प्रतिबंध रहेगा। अवधि के दौरान संस्था में आवागमन के दौरान फेस पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक रहेगी। किसी भी विद्यार्थी स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्था द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए और शिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व शैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाए। थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य रहेगा। संस्थान में प्रतिदिन काम आने वाले स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को समय समय पर सैनिटाइज करना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर इसका उल्लंघन किया जावे तो नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जाएगा। स्कूल में कोई भी विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव आने पर संक्रमण भी स्थिति बनने पर संस्था द्वारा संबंधित कक्षा को 10 दिन के लिए बंद रखा जावे। तो यही सभी थे नियम जो हमने आपको बता दिए और जल्दी इस पर SOP भी जारी कर दी जाएगी। तो यही थी गाइडलाइन, आपको पूरी की पूरी समझ में आ चुकी है। इन नियमों की पालना के साथ आपको स्कूल जाना है। लंबे समय से इंतजार है वो खत्म हो गया है। राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से आपके स्कूल है वो ओपन होंगे। दोस्तों स्कूल कॉलेज को लेकर यही अपडेट थी। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, आए चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा कर जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।